मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में गुरुवार को मंडी की नीलामी शुरू होने के बाद हमाल संगठन द्वारा महंगाई को देखते हुए मजदूरों की राशि बढ़ाने को लेकर के गुरुवार को सभी टोल कांटे बंद कर मजदूरी के दाम बढ़ाने की मांग की। इस दौरान मंडी नीलामी का कार्य भी बंद हो गया और मंडी व्यापारी सहित हमाल संगठन के पदाधिकारी मंडी कार्यालय पहुंचे और मजदूरी बढ़ाने की चर्चा शुरू हुई। वहीं लंबे समय बाद कोई निर्णय नहीं लेने के कारण उपज बेचने आए किसान आक्रोशित हो गए और अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि साहब, सैकड़ों किलोमीटर दूर से किसान अपनी उपज मंडी बेचने आए हैं, दो तीन दिन से लाइन में खड़े रहे और जब अब जेब में खर्चे के पैसे भी नहीं बचे हैं। व्यापारियों और हमालों के विवाद में सभी किसान लोग परेशान हो रहे हैं, जल्दी निर्णय लें। जानकारी मिलते ही मल्हारगढ़ नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़ एसटीओ सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे और समझाइश का दौर शुरू हुआ। ये आज पिपलिया मंडी कृषि मंडी में हमालों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर या हमाली की मजदूरी बढ़ाने की बात को लेकर उनके द्वारा हड़ताल कर दी गई थी, काम करने से मना कर दिया गया था। एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, अन्य लोगों द्वारा समझाइश दी गई, बातचीत की गई, व्यापारियों से बातचीत की गई, उनको उनकी मांगों को लेकर आश्वस्त किया गया। कुछ लोग जो काम नहीं करना चाह रहे थे तो उनको मंडी से बाहर भी किया गया हमालों को, बाकी सभी हमाल काम करने के लिए तैयार हो गए हैं और काम चालू हो गया। मंडी चालू हुई 1.5 घंटे बाद इन्होंने ऑटोमेटिक कांटे चलते हुए रोक दिए। व्यापारी संघ ने पूछा इनसे तो बोले कि भाई माल बोल रहे हैं कि आज पैसे बढ़ाना है, तो भाई कल आप लोगों ने मीटिंग रखी थी, आपको बुलाया था, तो हिमाल बोले कि हमको नहीं बुलाया, जबकि हमको व्यापारी हिमाल और मजदूर संघ का प्रतिनिधि का आवेदन प्राप्त हुआ। ये तो उनके प्रतिनिधि को होना चाहिए कि उनको हिमालों को बुलाए नहीं बुलाए। आज मंडी कितनी देर बंद रही, कितना माल कम बिक्री हुआ? करीब 6-7 घंटे मंडी बंद रही, 4-5 हज़ार बोरी कम सेल हुई है। और अभी ये हुआ कि अभी जो माल आज लीलाम हुआ उसको तोलते हैं, उसके बाद अगर हिमाल मजदूर संघ बात करने को अगर तैयार होते हैं तो ठीक, नहीं तो कल से मंडी बंद नहीं रहेगी। उसके बाद हमारी तरफ से मंडी बंद का कोई आह्वान नहीं है। प्रशासन और हिमाल अगर आपस में समझ हो जाए और हम कल व्यापारी संघ की मीटिंग रखेंगे, अगर कल हिमाल मजदूर मंडी चालू करेंगे तो अगर ये चालू करेंगे तो कल माल जो बिकेगा उसके बाद व्यापारी संघ की मीटिंग होगी और हिमाल मजदूर संघ के सबको बुला के आपस में समझौता या जो भी बात होगी उसकी बात करेंगे। पिपलिया मंडी में व्यापारियों और हमाल तलावटियों के बीच तुलाई की दर को लेकर कुछ समस्या थी, कुछ विवाद था और इस कारण से उनके बीच आपसी सहमति बनाने का प्रयास आज प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किया गया है। सहमति कुछ कुछ अभी बनी है, कुछ और उनकी हमाल तलावटियों की मांगे हैं जो व्यापारियों को हमने उनको बताई है कि आप लोग अपना व्यापारियों के बीच में संवाद कर लीजिए और जो इनकी मांगे हैं उनकी मांगों के लिए आप लोग आपस में बैठ के जो है पूरी चीज़ों को तय कर ले, ताकि जो मंडी में कोई इस प्रकार की जो अव्यवस्था ना हो और जो किसान हैं वो भी परेशान ना हो। सर, हमालों के एक तो महिलाओं की जो दर हैं उनको बढ़ाने की बात थी कि 200 रुपये वर्तमान में दे रहे हैं तो उसको बढ़ाया जाए, तो उसमें भी कुछ सहमति बनी है और एक मीटिंग होगी अभी इनकी। और कुछ जो है जब तुलाई करते हैं आने और जाने के लिए, जहाँ इनका जो व्यापारियों का जो है सर माल जाता है वहाँ पे जो है कुछ दर को लेकर कुछ समस्या थी, तो उसके बीच में भी सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद किसानों किस तरह से आश्वासन? नहीं, किसान के प्रतिनिधियों से भी हमने बात की है, किसान भी यहाँ पे जो है लगभग 8-10 प्रतिनिधि आए थे, उनको भी हमने संवाद किया है कि भाई थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनी है इसलिए जो है थोड़ी सी समस्या आपको हो रही है, पर जो भी मंडी के अंदर जो माल आ गया है उसको पूरा जो है मतलब उसकी तुलाई होगी और उसको व्यवस्थित तरीके से जो भी है उसका निराकरण कराएंगे। निर्णय में देरी की बात नहीं, इनके बीच में पहले भी जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी इन दरों को लेकर व्यापारियों और तलावटियों के बीच में कुछ समस्या थी, कुछ इनकी मांग थी, वो आज से 2-3 माह पहले उसके बारे में भी आके हमने बैठ के बातचीत की थी, परंतु तत्समय जो है व्यापारियों के संघ के लिए जो चुनाव होना था उस वजह से उस समय पूरी सहमति नहीं बन पाई थी, तो वो अब जो है प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से सहमति बन जाए और इस तरह की कोई स्थिति निर्मित ना हो। नहीं, अभी जो है सभी पक्षों से बात हो गई है, व्यापारियों से भी बात हुई है, हमाल तलावटियों से बात हुई है, किसान संघ के प्रतिनिधियों से बात हुई है। वर्तमान में जो अभी जो मंडी के अंदर जितना भी जो माल आया है उसको पूरा जो है तुला मतलब उसकी तुलाई की जाएगी और उसकी नीलामी की व्यवस्थित तरह से की जाएगी।
नुकसान होगा अगर बरसात के कारण कोई नुकसान हो गया, अभी पानी का मौसम है, पानी मौसम खराब हो रहा है, अगर पानी आ गया तो कौन जिम्मेदार है? मंडी हमारा माल बिके और हम जल्दी से जल्दी घर पहुंचे। आपने मंडी सचिव से बात भी करी? मंडी सचिव से बात करी, मंडी सचिव का कोई सही साठ जवाब नहीं आ रहा है। ये अभी तक 10 बार फोन लगा चुके हैं, इनका ना तो कोई फोन उठा रहा है ना इनके पास कोई जवाब आ रहा है। ये होंगे जिम्मेदार और यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, 200 के लगभग वाहन बाहर खड़े हैं, अंदर मंडी फुल है, 20% मंडी की नीलामी हुई है, बाकी मंडी ऐसी पड़ी है और इनको कोई जवाबदारी नहीं है। यहाँ बैठे हैं, ये अभी तक बाहर नहीं निकले, ये कोई घूमे नहीं, इनने कोई मंडी नहीं देखी। दूसरी बात ये है, केवल कल का दिन ही और मंडी चालू है, फिर 2 दिन के लिए मंडियां बंद है, तो क्या ये किसान यही रुकेंगे? ये खिलाएंगे इनको, ये यहाँ रुकेंगे? गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।